साइकिल के बारे में देखेंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए हमारे पास फोर कंपाउंड्स कंपलसरी है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और एवोपेटर। तो पहले अब रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से रन करेगा उसको अपन अंडरस्टैंड करेंगे। आपका कंप्रेसर के लिए आपको दो लाइंस रहेंगे, एक लाइन सेक्शन लाइन रहेगा, दूसरा डिस्चार्ज लाइन रहेगा। ओके, कंप्रेसर का फंक्शन ये है कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर के अंदर भेजना। जब कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करेगा वो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और वेपर स्टेज में रहेगा। ओके, जब रेफ्रिजरेंट जो है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से कंडेंसर में आएगी, एम्बियंट टेम्परेचर से कंडेंसर, जब यहाँ पे आपकी हीट एक्सचेंज होगा, कंडेंसेशन होगा, उसको कंडेंसेशन कहेंगे। जब हीट एक्सचेंज होगी वहाँ पे आपका वेपर स्टेज से रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटली लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिसीवर लगा हुआ रहेगा, जिसके लिए हम रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल गैस जो है 100% लिक्विड के अंदर रिसीव हो जाती ताकि वेपर स्टेज आगे ना जाए। तो जब 100% लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जाएगी ड्रायर के अंदर। ड्रायर का फंक्शन ये है कि अगर से कहीं रेफ्रिजरेंट कहीं लीकेज हो गई, लीक होने की वजह से या फिर सर्विस वाल्व्स की वजह से एम्बियंट टेम्परेचर अंदर आ गया, एटमॉस्फेयर अंदर आ गया, मॉइस्चर अंदर आ गया, तो उसमें जो है ड्रायर मॉइस्चर को अब्जॉर्व करता है, ओनली रेफ्रिजरेंट को सेंड करता है, आगे भेजता है। ये आपकी साइड ग्लास है। साइड ग्लास के अंदर, साइड ग्लास हम इसलिए लगाते हैं, साइड ग्लास का यूजेज ये है कि अगर से हमारे पास कहीं भी सिस्टम के अंदर लीकेज रहा तो हमको ग्लास के अंदर बबल्स फेंकेंगे। तो अगर बबल्स है इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अंदर, सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपको ग्लास साइड के अंदर बबल्स दिखेंगे। तो बबल से आप अंदाजा लगा सकते हैं गेज एक के कहीं सिस्टम के अंदर लीक है, तो हम लीक को फाइंड आउट करना है। अगर से ग्लास स्लाइड गैस के अंदर हम आपको टोटली लिक्विड स्टेज आ रहा है तो सिस्टम हमारा ओके है। देन आएगा आपका एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व आपके थ्री टाइप्स के हो गए। एक्सपेंशन वाल्व जो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व रहेगा, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व रहेगा और एक आपका जो है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व रहेगा, ठीक है। बट अभी न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सब लोग थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आपको सेंसर लगा हुआ रहेगा बेलो, जो सेंस करेगा एट ऑफ द लास्ट सेक्शन लाइन के पास कि कितनी रेफ्रिजरेंट आपको एवोपेटर के अंदर भेजना है। इसके अंदर एक बारीक निडल रहेगी, वो आपको ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करते रहेगी। यहाँ पे आने के बाद रेफ्रिजरेंट जो है लो टेम्परेचर, लो प्रेशर में हो जाएगी और टोटल लिक्विड स्टेज में रहेगी। एवोपेटर कॉइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एवोपेटर जो है आपका ड्यूअल फंक्शन करता है, हीट अब्जॉर्वर का फंक्शन करता है। जैसे हमारा कंडेंसर हीट रिड्यूसर का फंक्शन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एवोपेटर जो है हीट अब्जॉर्व का काम करता है। तो हीट अब्जॉर्व करता है, फिर वो लिक्विड स्टेज से वेपर स्टेज में गैस कन्वर्ट होती है थ्रू सेक्शन लाइन बैक टू कंप्रेसर। ये आपकी सेक्शन लाइन, ये साइकिल आपकी रेफ्रिजरेशन कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा।